एजेंसीज फिच रेटिंग से निगेटिव आउटलुक के साथ लंबी अवधि के लिए भारत की रेटिंग BBB निगेटिव बरकरार रखी है। फिच ने कहा कि मध्यम अवधि में भारत का ग्रोथ आउटलुक मजबूत दिख रहा है। इसके अलावा कमजोर वित्तीय क्षेत्र और कुछ ढांचागत मुद्दों का भी असर है। फिच के मुताबिक COVID-19 महामारी से उभरते हुए देश तेजी से आर्थिक पुनरुद्धार की राह पर है और साथ ही वित्तीय क्षेत्र में दबाव कम हो रहा है, जिससे मध्यम अवधि में वृद्धि परिदृश्य से जुड़े जोखिम कम हो रहे हैं। फिच का पूर्वानुमान GDP ग्रोथ हो सकती है 8.7%। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि फाइनेंशियल सिस्टम पर दबाव कम होना मध्यम अवधि में ग्रोथ आउटलुक से जुड़े जोखिम को कम करता है। फिच ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की GDP ग्रोथ के 8.7% रहने का अनुमान जताया है, तो वहीं रेटिंग एजेंसी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए GDP ग्रोथ 10% रहने का अनुमान जताया है। कोविड महामारी से तेजी से पुनरुद्धार में भारत की अर्थव्यवस्था की जुझारू क्षमता इसे समर्थन देती है, तो वहीं फिच का कहना है कि आवाजाही संकेतक कोविड पूर्व स्तर पर लौट आए हैं और उच्च आवृत्ति के संकेतक विनिर्माण क्षेत्र में मजबूती की ओर इशारा कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था में तीव्र वृद्धि हुई हासिल। बता दें कि कोरोना वायरस की खतरनाक दूसरी लहर के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था में चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में 20.1% की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। इसका कारण पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही का तुलनात्मक आधार नीचे होना और विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों का बेहतर प्रदर्शन रहा है। इस वृद्धि के साथ भारत इस साल दुनिया की तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनने के रास्ते पर है। GDP आंकड़े के अनुसार हालांकि सालाना आधार पर तो अर्थव्यवस्था में वृद्धि हासिल हुई है।